का सबसे युवा देश है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा युवा सड़क हादसों में ही मारे जाते हैं। भारत की 40% आबादी की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच है और भारत में सड़क हादसों में मरने वाले 53.8% लोगों की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान देश भर में 4,89,000 सड़क दुर्घटनाएं, जिनमें 1,40,000 लोगों की मौत हुई। इनमें से 75,000 लोगों की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क पर सुरक्षा के मामले में हमारे देश के युवा कितने लापरवाह। ऐसी एक बड़ी लापरवाही है हेलमेट न पहनना या बिना ऐसे मार्क का हेलमेट पहनना। लोगों को लगता है कि हेलमेट सिर्फ चालान बचाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझना चाहते कि हेलमेट आपकी जान की हिफाजत करता है, बशर्ते हेलमेट अच्छी क्वालिटी का हो और ISI मार्क का। जी न्यूज की टीम ने हेलमेट को हल्के में लेने वाली सोच का रियलिटी चेक किया। ये हमारे दर्शकों को जरूरी जानकारी देने वाला दिन है। सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेलिटी की वजह से मैंने पहन लिया मैडम। ये मजबूरी क्या है? मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 129 कहती है कि टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है और हेलमेट भी ISI मार्क होना चाहिए। अगर हेलमेट ISI मार्क नहीं है तो आपका चालान हो सकता है, क्योंकि बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना हेलमेट न पहनने के बराबर है। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? नहीं है, लेकिन है कंपनी का ही है। कंपनी का ही है, लेकिन ISI मार्क नहीं है। आपको मालूम है कि अगर ISI मार्क नहीं हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता हेलमेट तो आपको चालान हो सकता है। अब आप ISI वाला हेलमेट खरीद लीजिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे आपका हेलमेट अच्छा नहीं है तो आपका चालान हो सकता है। नहीं पता है, गली गली बिठा रखे हैं जगह जगह, उसको बैन करना चाहिए ना। आम पब्लिक को तो नहीं पता ये बात, वैसे वो यूज नहीं है उसका, लेकिन मुझे अपने चालान के पैसे बचाने हैं तो इसलिए मैं जाके 50 रुपये का ले लूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि हेलमेट ISI मार्क का होना चाहिए। पुलिस भी जरूर जानती ही होगी, लेकिन एक RTI से मालूम पड़ा है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नकली हेलमेट पहनने पर कोई चालान नहीं काटा। इसका नतीजा क्या है ये आप दिल्ली की सड़कों पर जब मर्जी देख सकते हैं। लोग हेलमेट को सुरक्षा कवच कम चालान से बचने का जरिया ज्यादा समझते हैं, इसलिए जैसा भी हेलमेट मिले बस पहनकर निकल पड़ते हैं। हेलमेट अच्छा ले सकते हो आप? पैसे नहीं। बाइक लेने के पैसे हैं? शादी की है। मतलब? शादी में मिली है, मैंने नहीं खरीदी। तो शादी वालों ने आपको हेलमेट नहीं दिया? नहीं, नहीं दिया। सड़कों पर जगह जगह बिकते हुए मिल जाएंगे। ISI मार्क तो छोड़िए, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो इंसान से पहले हेलमेट सिर से उतर कर टूट जाएगा। ये इस तरह के हेलमेट आपको रोड पर मिलेंगे जिनमें किसी तरह का ISI मार्क नहीं होगा, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे कितने सही खड़े उतरते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये हेलमेट है, आपको दिखाएंगे कि कुशन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कहीं भी आप गिर जाते हो तो ये कुशन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल सकता। महिलाओं को बेचने के लिए जो हेलमेट्स मार्केट में आ रहे हैं वो हेलमेट्स इस तरह के हैं। और ये हेलमेट देखिए, सिर्फ आपके जो ऊपर सर का ऊपर वाला, स्कल का ऊपर वाला पोर्शन है उसी को ही कवर करता है और इसमें भी कुशन नहीं है, सिर्फ ये कपड़ा है। सिर्फ एक हेलमेट 4 में से ISI मार्क वाला ये बड़ा हेलमेट जिसे सेफ कंसिडर किया जा सकता है वो बिका है। बाकी एक हेलमेट ये बिका है 150 रुपए वाला और दो हेलमेट्स ये वाले, इस तरह के दो हेलमेट्स बिके हैं। ये टोपी नुमा जो हेलमेट है यहाँ पर जिसका कोई फायदा नहीं है, ये दो हेलमेट्स बिके हैं।
सवाल ये भी है कि अगर बिना ISI वाला हेलमेट पहनना गैर कानूनी है तो फिर ऐसे हेलमेट बन क्यों रहे और बिक कैसे रहे? गवर्नमेंट इस तरह की चीज को प्रोडक्ट होने क्यों देती है मार्केट में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्शन ही बंद होनी चाहिए। अगर ISI मार्का नहीं हम ले रहे हैं तो हमारी कंपनी को ये परमिशन कैसे मिलती है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करें मार्केट में? BIS है जो ISI हेलमेट मतलब ISI मार्क को देता है प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी मैंडेटरी लिस्ट में भी ISI हेलमेट है नहीं, क्योंकि अगर वहाँ होता मैंडेटरी लिस्ट में BIS की तो जो नॉन ISI हेलमेट बना रहे हैं उन पे कार्रवाई पुलिस कर सकती थी। तो पुलिस नॉन ISI हेलमेट बनाने वालों पे कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो मैंडेटरी लिस्ट में नहीं है आज की डेट में। लोगों को लगता है कि हेलमेट ISI हो या ना हो इससे फर्क क्या पड़ता है, चालान तो बच ही जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अगर किसी दिन दुर्घटना हो गई तो चालान बचाओ हेलमेट से जान बचाना मुश्किल हो सकता है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, दिल्ली। स्टडी रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले 63% लोगों की मौत हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगने की वजह से होती है। हम आपकी जान की परवाह करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप हमेशा ISI मार्क वाले अच्छी क्वालिटी के हेलमेट पहनें, क्योंकि हेलमेट सिर्फ चालान नहीं बचाते बल्कि जान भी बचाते। सड़क दुर्घटना होने पर ISI मार्क वाला हेलमेट ही आपकी जान बचा सकता है। तो डीएनए में आज के लिए इतना ही, अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए तस्वीर तब तक के लिए।